हरियाणा में बढ़ रही गैंगरेप की घटनाओं पर इनेलो भड़की और कड़ी प्रतिक्रिया दिखाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफे की मांग की। इनेलो प्रदेश प्रवक्ता एवं किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह के नेतृत्व में दो विधायक सहित कई पदाधिकारी डीसी से मिले और प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 63 किसानों पर केस दर्ज करने के मामले में इनेलो प्रवक्ता ने राज्यपाल से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाने की बात कही। वहीं टोहाना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला द्वारा राय बहादुर कंवर सैन गुप्ता चौक पर नई मूर्ति स्थापित कर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का उद्घाटन पत्र हटाए जाने के मामले में प्रति इनेलो ने भारी रोष प्रकट करते हुए इस मामले में कार्रवाई के लिए प्रशासन से मांग की है। इतनी दुख की बात है और इतना शर्म आती है इन चीजों को सुन करके कि हरियाणा प्रदेश ने इतनी तरक्की कर ली अपराध के मामले में। आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश के सभी राज्यों से आगे आ गया। इतना क्राइम हमारे यहाँ हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण उनकी पूरी सरकार इस तरीके की बयानबाजी करती है, इस तरीके की बातें कहती हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी परसों, सभी खुश थे, बड़े हंसने थे। ये मान के चलें कि हम कहते हैं कि गांव की बेटी मेरी बेटी, मांग करते हैं कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर को कानून व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकती, उस सरकार को एक घंटा भी सत्ता में रहने का हक नहीं। इसलिए आज माननीय डी साहब से बात की है और कल का जो समाचार पत्र भास्कर दैनिक भास्कर में पढ़ा था उसमें कि 63 लोग ऐसे हैं जो 2016 में जिनका अपराध पाया गया कि उन्होंने पराली जलाई है और 1200 कुछ ऐसे हैं जो 2017 के हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं दिया। 2004 में एक स्टैचू लगाया था रेलवे रोड टोहाना और वो स्टैचू जो है राय बहादुर कंवर सैन गुप्ता जो हमारे टोहाना के निवासी थे और यूनाइटेड पंजाब के टाइम वो चीफ इंजीनियर थे इरीगेशन। हम ये मानते हैं कि उनकी वजह से टोहाना में जो टेल हेड बना है उसका बीएमएल का बाखड़ा मेन लाइन का, उसमें उनका योगदान था और माननीय चौटाला साहब ने एज ए मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन किया। और 31 दिसंबर 2017 को लोकल विधायक ने उस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो स्टेट के थे मुख्यमंत्री थे उनके पत्थर को हटा करके इस बहाने से कि हम नया स्टैचू लगाने जा रहे हैं, लगाया उन्होंने कंवर सैन गुप्ता जी का ही है, लेकिन उस पत्थर को हटा दिया जो चौटाला साहब का लगाया हुआ था और अपना पत्थर लगा दिया। तो इसलिए उस पीड़ा को लेकर के आज हमने इतराज़ अपना जो है ना माननीय डी साहब के सामने रखा।